फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। आज नया एडोब इलस्ट्रेटर का बिगनर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज क्लास वन है, जिसमें हम आपको बेसिक्स एडोब इलस्ट्रेटर का बेसिक्स क्लियर करेंगे कि क्या टूल्स होते हैं, कैसा क्या होता है, कैसे इलस्ट्रेटर काम करता है। तो अभी ऐसा कुछ जो आप देख रहे हो कि मैंने इलस्ट्रेटर ओपन किया है, ऐसा कुछ ये ओपन हो रहा है। तो आप देखोगे ऐसा कुछ आपका इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपका इलस्ट्रेटर होम क्रिएट न्यू ओपन ऐसा कुछ ये फाइल्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप A4 ये साइजेस वगैरह आपको A4 में अगर ओपन करना है तो यहाँ कुछ साइजेस आ रहे होते हैं। इस पे आप क्लिक करके आईफोन X के लिए अगर आप डिजाइन बना रहे हो, वेब के लिए डिजाइन बना रहे हो, तो आप यहाँ से ये साइजेस वगैरह ले सकते हो। रिसेंट के आपको ओपन फाइल्स ओपन करनी है तो यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ये चीजें हैं, यहाँ से आप इसको ऐसा कुछ चेंज कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, वेलकम टू इलस्ट्रेटर, वेलकम में आपको ये कुछ ऑप्शंस दे रहे होते हैं। एंड यहाँ पे अगर ओपन है, ओपन अगर पुराना आपका कोई फाइल ओपन करना है तो आप यहाँ ओपन पे जाओगे और वो फाइल ओपन कर लोगे। जहां से कोई भी फाइल जो आपको पहले का फाइल है उसको पे काम करना है किसी बने सेव हुए फाइल पे, तो यहाँ से रिसेंट का तो यहाँ पे आपको शो कर रहा होता है। बट अगर पुराना फाइल है उस पर आपको काम करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ से ओपन से। अगर कुछ नया काम करना है, कुछ नया डिजाइन बनाना है, तो यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे। उससे पहले यहाँ पे ये साइजेस हैं, ये साइज अगर आपको इनमें से कोई साइज लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप यहाँ क्रिएट न्यू पे जाओगे। जैसे ही आपको क्रिएट न्यू पे जाओगे एक ऐसा कुछ स्लाइड आपका खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको रिसेंट दे रहा होगा कि हाँ रिसेंट में ये अभी मैंने ये साइज है। आपको जो भी साइज और भी साइजेस आ रही होंगी जिसपे भी आप रिसेंट में काम कर रखे होंगे वो आपका आ रहा होगा। यहाँ सेव्ड साइज चीजें होंगी, यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड जो साइज साइज पे जिस मोबाइल के जिस साइज पे आपको मोबाइल के लिए काम करना है वेब डिजाइन बनाना हो तो आप यहाँ पे आ जाओगे। प्रिंट से रिलेटेड डिजाइन चाहिए तो यहाँ से आपको जो जिस साइज पे काम करना है उस पे आप काम करोगे। जैसे A3 है, A4 है, लेटर है, तो लेटर है बाकी चीजें, तो यहाँ से इससे रिलेटेड साइजेस वगैरह लेने के लिए है कि आपको किस पेज पे किस साइज के पेज पे आपको काम करना है, तो यहाँ से आप उस साइज का वो पेज ले सकते हो। बाकी आपको यहाँ अनटाइटल्ड है, यहाँ पे आप यहाँ पे विड्थ हाइट अगर मैनुअली लेना है तो यहाँ पे वो जो भी साइज आप ले रहे हो इंचेज में है, पिक्सल्स में लेने हैं, मिलीमीटर्स में, तो वो सब अगर मैनुअली डिसाइड करना हो तो आप ये चीजें कर सकते हो। ये आर्ट बोर्ड के लिए है, कितने आर्ट बोर्ड लेने हैं, बाकी कुछ चीजें हैं, ये चीजें आप धीरे धीरे सीख जाओगे मोर सेटिंग्स है, बाकी हम धीरे धीरे आगे की क्लासेस में इन चीजों को समझेंगे। तो ये चीजें हैं, फिलहाल मैं अभी आपको वेब पे जाके मोर सेटिंग पे अभी फिलहाल ये सब मोर सेटिंग्स के लिए है जो मैंने मोर सेटिंग क्लिक किया तो ऐसा कुछ ये ओपन होकर आया है। तो ये चीजें हम बाद में धीरे धीरे समझेंगे। अभी फिलहाल जैसे भी CMYK वगैरह है, किस जैसे मोड सेटिंग में आ रहा था CMYK है, RGB है, तो ये चीजें हैं आपको किस फॉर्मेट में काम करना है। डिफॉल्ट ये CMYK ही लेता है तो इसको फिलहाल डिफॉल्ट ही रखते हैं। बाई चांस कभी कुछ चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। हाइट विड्थ है तो कुछ खास नहीं है, इसको डिफॉल्ट ही रखते हैं। बाकी कभी हम आगे की, अभी तो फर्स्ट क्लास है, आगे हम धीरे धीरे इन चीजों को और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इसे कैंसिल करते हैं, यहाँ से हम वेब पे जाते हैं। अभी फिलहाल मुझे ये 90x1080 का साइज लेना है, मैं चलो यही साइज लेकर और ये ओपन करता हूँ। HD साइज होता है तो ऐसा कुछ मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये अभी फाइल ओपन हो रहा है, ये देखो आप ओपन हो गया फाइल एंड यहाँ पे आपका ऐसा कुछ वेलकम आ गया। तो ये आपका इलस्ट्रेटर है, ऐसा कुछ इलस्ट्रेटर का आपका इंटरफेस है। अल्ट प्रेस करके आप ये अपने पेज को ऐसा कुछ जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ऐसा कुछ अल्ट क्लिक करके रखोगे एंड मिडल माउस बटन को आप ऊपर नीचे करोगे, ऐसा कुछ आपका पेज अप पेज डाउन ऐसा कुछ हो रहा है। एंड आप स्पेस बटन को ऐसा कुछ आप स्पेस क्लिक करोगे तो ये आपका हैंड ये टूल आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ये आप स्लाइड कर सकते हो जहां भी करना हो। एंड देन आपका यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेनू टूल आ रहा है, मेनू बार में आपका फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, सेलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो, हेल्प, जो कि सारे सॉफ्टवेयर में, फोटोशॉप में भी आपको ये चीजें मिलेंगी। यहाँ पे ये टूल है, टूल्स आपके ये सारे टूल्स आपको फोटोशॉप में भी लगभग सभी मिल जाते हैं। जैसे पेन टूल है सेलेक्शन के लिए, ये टूल है, पेन टूल है, ब्रश है, टेक्स्ट है रोटेट करने के लिए, ये सारी कलर पिक करने के लिए ग्रेडियंट है, तो ये सारी टूल्स लगभग इसके साथ
ये फोटोशॉप में भी आप टूल्स सीखे हो, लेकिन इसमें भी हम फिर से आपको सारी टूल्स आपको बताएंगे। एंड यहाँ पे आपको पॉपुलर ये चीजें हैं, लेयर है, ये चीजें हैं, ये आपको प्रॉपर्टी पैनल है। इस प्रॉपर्टी पैनल में जैसे आप अगर कोई भी, जैसे अभी मैंने मूव टूल ले रखा है तो उससे रिलेटेड ग्रेडियंट अगर मैं लेता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे अभी ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ, ग्रेडियंट से रिलेटेड, तो जो जो टूल मैं यहाँ पे यूज करूंगा वो टेक्स्ट लिया तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो ये चीजें अभी मैं ब्रश ले रखा हूँ तो उसका, तो वो प्रॉपर्टी उसका अपने आप ही आ जाएगा। अभी देखो मैंने टेक्स्ट लिया तो यहाँ से टेक्स्ट पे के से रिलेटेड कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, क्या साइज विड्थ होना चाहिए, तो ये चीज है टेक्स्ट से। तो प्रॉपर्टी जो भी टूल आप ले रखे होगे उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। एंड यहाँ पे आपको इधर लेयर आ जाता है, यहाँ आपको लाइब्रेरीज आ जाती है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल आ जाता है। अगर आप चाहो तो पैनल में अभी जैसे आप साइज ये चीज कर रहे हो, प्रॉपर्टी का पैनल में चेंज करना है, आपको कलर करेक्शन देखना है, कुछ और देखना है, तो यहाँ आप विंडो पे जाके वर्क स्पेस पे जाके एंड यहाँ से अभी एसेंशियल पे है, आपको अभी पेंटिंग चाहिए तो आप ऐसा कुछ पेंटिंग पे क्लिक करोगे तो ये पेंटिंग के फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पे आपको कलर्स वगैरह पिक करने के लिए मिल जाएंगे ये चीजें। तो ये आप प्रॉपर्टी पैनल अपना चेंज कर सकते हो यहाँ पे जाके, जैसे अभी मेनू बार में आप वर्क स्पेस में विंडो वर्क स्पेस, और यहाँ से आप जो भी चाहो वेब ट्रेसिंग, तो अलग अलग ये आप चेंज कर सकते हो। मेनली हम एसेंशियल में ऐसा रखते हैं, जब डिजाइन बनाते हैं ज्यादातर एसेंशियल में रखते हैं। तो इस तरह से है, फाइल है, ओपन, न्यू, कंट्रोल एन, ये शॉर्टकट सभी चीजों के लिखे हुए हैं यहाँ पे। फाइल है, एडिट है, ऑब्जेक्ट है, टाइप है, यहाँ इफेक्ट्स है, 3D इफेक्ट, स्केचअप, स्केच इफेक्ट, तो इस तरह से ब्लर करना हो तो ये चीजें आपको मेनली मेनू बार में सब कुछ आपका आ रहा है। तो इन चीजों को इस तरह से आप यूज करोगे। अब मेनली आता है कि हम इलस्ट्रेटर यूज क्यों होता है, क्या है इलस्ट्रेटर का पर्पस। तो इलस्ट्रेटर मेनली ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स डिजाइन के पर्पस से। अगर पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कोई सॉफ्टवेयर यूज होता है तो वो है इलस्ट्रेटर। एंड इलस्ट्रेटर में जो भी आप डिजाइन बनाते हो वो होता है आपका वेक्टर डिजाइन। जो भी आप डिजाइन बनाते हो वो आपका वेक्टर डिजाइन होता है इलस्ट्रेटर में। आप फोटोशॉप में बनाते हो तो वो हो जाता है आपका रास्टर डिजाइन। इस वेक्टर और रास्टर को अगर ज्यादा डिटेल में समझना है तो यहाँ आई आइकन से, मैंने फोटोशॉप के क्लास में बहुत अच्छे से इस चीज को क्लियर किया था, तो वो आप जाकर के देख सकते हो। बाकी मैं फिर से आपको बता दूं, जो भी आप इलस्ट्रेटर में बना रहे हो, जो भी आप AI में बना रहे हो, वो सारे आपके वेक्टर बेस होते हैं, वेक्टर फाइल्स होते हैं, और फोटोशॉप में बनाते हैं वो रास्टर होता है। तो यहाँ पे सारे आपको वेक्टर डिजाइन्स होते हैं, जिससे कि उसको मैं कितना भी ज्यादा साइज में जूम करूँ वो पिक्सलेट वगैरह नहीं होते हैं, ये सब इसकी खासियत होती है। तो इसलिए इलस्ट्रेटर का बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड एक और चीज मैं बताऊँ आपको कि फोटोशॉप में आपको फोटो एडिटिंग, कुछ भी अगर फोटो एडिटिंग करना हो तो इस तरह से फोटो एडिटिंग आपको करना हो तो फोटोशॉप में आप जाओगे। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी बनाना हो, इलस्ट्रेशन वगैरह का कुछ डिजाइन बनाना हो तो आपको इलस्ट्रेटर उसके लिए बेस्ट होता है। तो ये चीजें हैं, एंड ये अभी तक आपने ये चीजें सीखी है। इसमें अभी आप ये देख रहे हो यहाँ पे ऐसा कुछ, ये आपका पेज है, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो ये आर्टबोर्ड, आपका आर्टबोर्ड 01, आर्टबोर्ड 1, ये ऐसा कुछ आपका आता है। ये आपका आर्टबोर्ड है जिसपे आपको जो भी डिजाइन बनाना हो आप बनाते हो। इसको यहाँ से आप अल्ट के साथ ऐसा कुछ कॉपी भी कर सकते हो, इस तरह से अलग अलग कॉपीज कर सकते हो, डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हो, ऐसा कुछ आप डिलीट कर दो। एंड अभी मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले कि आप अल्ट के साथ ऐसा कुछ जूम इन जूम आउट कर सकते हो, स्पेस के साथ मूव कर सकते हो, एंड एक और कंट्रोल के साथ भी आप ऐसा कुछ कंट्रोल माइनस करोगे तो पेज आपका ऐसा कुछ, और प्लस कर रहा हूं तो ऐसा कुछ जूम होता जा रहा है। तो जूम इन जूम आउट के लिए इन चीजों को कंट्रोल एंड प्लस माइनस को भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप इंटरफेस समझोगे, टूल्स को समझोगे, बाकी तो टेक्स्ट वगैरह आप देख ही रहे हो, मूव है, मूव टूल वगैरह है, पेंट टूल है, तो इन चीजों को फिर से आप नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे चीजों को। एंड एक चीज मैं और बताऊं कि यहाँ पे ये आप एरो देख रहे हो इस टूल के ऊपर, तो टूल के ऊपर इस एरो को आप क्लिक करोगे ऐसा कुछ, ये डबल रो में आपका टूल हो जाएगा, अगर क्लिक करोगे तो फिर सिंगल रो में भी हो जाएगा। यहाँ मैंने अभी बताया था कि इससे आप ऐसा कुछ मूव करोगे इससे, एंड इधर अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो मूव करके कहीं भी ले जा सकते हो, ये जो आप
लाइंस देख रहे हो ग्रे डॉटेड डॉटेड, तो यहाँ पे आप जैसा कुछ ब्लू लाइन देख रहे हो, तो इस ब्लू लाइन पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ इससे ये लिंक हो जाता है। तो ये लिंक आप चाहो तो कर सकते हो, जहां भी आपको ऐसा कुछ लिंक करके यहाँ रखना है यहाँ रख दो, कहीं भी आप मूव करके ऐसा कुछ रख सकते हो। अगर कभी ऐसा कुछ ये बिगड़ा हुआ मिल जाए, ऐसा कुछ सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है, तो डरने की बात नहीं है, कभी आप डरना मत इन चीजों से। यहाँ रिसेट एसेंशियल्स पे आप क्लिक करोगे, ये सब कुछ प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो इन चीजों से डरने का नहीं है, इंटरफेस को अच्छे से समझना है एंड प्रैक्टिस करते रहना है। एंड अभी तक जो मैंने क्लियर किया वो था आपका फाइल्स क्रिएट करना, कैसे आप फाइल्स क्रिएट कर रहे हो करोगे। अगर इसी में मैं आपको बताऊं कि अगर आपका खुद का अभी कोई अगर पुराना फाइल आपको ओपन करना हो तो उसे कैसे करोगे, ये चीज अब मैं आपको बताता हूं कि आप यहां पे ओपन पे जाओगे, ओपन रिसेंट है आसपास का फाइल, ओपन पे जाओगे, यहाँ पे जो भी आपका पुराना फाइल है उस फाइल का ऐसा कुछ आप लिंक रख क्लिक करोगे एंड ऐसा कुछ आप उसे ओपन कर दोगे। तो इस तरह से आप किसी भी पुराने फाइल को ओपन कर सकते हो एंड यहां से आपको इसके सिलेक्शन लेने हैं तो ऐसा कुछ सिलेक्शन ले सकते हो। तो बाकी के ये टूल्स वगैरह हम लास्ट क्लास में क्लियर करेंगे आपको कि कैसे क्या आपको इन चीजों को करना है। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम टूल्स पे कैसे काम करना है बाकी की चीजें आगे की चीजें सीखेंगे। सो अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए एंड यहाँ सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी आगे की भी अपडेट्स आपको ट्यूटोरियल्स के मिलते रहें। एंड यहाँ आई आइकन से आप बाकी अदर सॉफ्टवेयर सीखने हैं तो वो आप सीख सकते हो जाकर। थैंक यू।